telat yang sebelum ini. Kata anak pi. यहाँ पर ब्रह्मा कलयुग में नहीं आते, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, मतलब 1000 चतुर्युग के बाद में एक बार जिस त्रेता में प्रभु राम आते हैं, जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं, और लास्ट में जो कलयुग हो उसी कली में ही महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, इसलिए ये जो कलयुग को बताया गया धन्य कली। कौन सा कली? इसका नाम बता। तो प्रेम को पाने के लिए यहाँ तक कि ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव आदि जो प्रेम को पाने के लिए कठोर तपस्या करते थे, लक्ष्मी तो अभी तक बैठी हुई बैल वन में जो प्रेम को पाने के लिए, लेकिन ये कलयुग में महाप्रभु आकर के आशा निश्चय को दुर्लभ प्रेम को उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, बल्कि चिरात गुप्तम निज गुप्तम चिरात दत्तम निज गुप्त बीतम। बड़े दिनों से जो प्रेम को महाप्रभु ने कृष्ण ने छुपा करके रखा था, लेकिन ये कलयुग में महाप्रभु मुक्त हाथों से उन्होंने कोई जात पात कोई विचार नहीं किया, उन्होंने सबको आज तक डाले, सबको उन्होंने ये प्रेम प्रदान किया। बड़े ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं कलयुग में, थोड़ी सी केवल प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन वो दुर्लभ प्रेम को श्रीमान महाप्रभु दिया, जिसको महाप्रभु सुन करके इतने प्रेम में गदगद हो गए, उनका हृदय इतना प्रेम में गदगद हो गया। लेकिन लास्ट में जब बोले स्फुर ध्रुव सचिनंदन ऐसे श्री महाप्रभु हृदय में प्रकट हो, महाप्रभु ने इतना गड़बड़ी हो गया, जैसे बड़ा सुंदर पानी में मिश्री डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, नींबू डाल दो, और अगर उसमें एक शराब डाल दिया तो क्या होगा, सब बेकार हो गया। ऐसे तुमने जो सचिनंदन नाम लिया ना ऐसा गड़बड़ कर दिया, लेकिन बल नहीं स्वरूप दामोदर बल नहीं, मानो उसमें थोड़ा कर्पूर डाल दिया, उसमें थोड़ा जैसे उसमें थोड़ा कर्पूर डाल दो ना उसमें सुगंध आ जाता है। इसी तरह उन्होंने जो आपका नाम लिया ना उन्होंने उसमें थोड़ा सुगंध डाल दी, इसलिए श्री रूप गोस्वामी है कहते जब तक श्री ये रूप गोस्वामी की अनुगत कोई नहीं करते ना राधा कृष्ण की सेवा असंभव, राधा रानी की निकुंज सेवा में जीव का प्रवेश अधिकार नहीं। इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने बड़े बड़े साधु हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिविनय ठाकुर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबके सब एक ही बात बोले, कब ऐसा दिन आएगा जब श्री रूपानुभव होकर इनकी अनुगत्य में हम सबके सब श्री जुगल सरकार की हम सेवा प्राप्त करेंगे, ये सारे गोस्वामी लोग एक स्वर में इनकी अनुगत को स्वीकार करेंगे। हम पहले सुना था नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कबे रूप रघुनाथ पदे आई वे आको दे कबे हम हो जब से जो कला बिरी रूप रघुनाथ पदे रहो पर वास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री
नर्तमदास ठाकुर राधा रानी के एक मंजरी सखी कहती हैं, तब ऐसे दिन आएगा जब इनकी अनुगत्य हम करें, इनकी कृपा से ही हमें राधा कृष्ण की सेवा मिलेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर पयल अंत में रूप रघुनाथ पते रघुमर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, हर लास्ट में उन्होंने यही बात उन्होंने बार बार उन्होंने दोहराई। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, सुनिया जी साधु मुखे बोले सर पर जाना श्री रूप पिपाए साधुओं से सुना है, सुनिया जी साधु मुख बोले सर्वजन, सब लोग एक ही बात कहते, बोले क्या बात कहते हैं, बोले एक ही बात कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण की चरण की सेवा प्राप्त होता है, लेकिन इनकी कृपा के बगैर कोई सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए देखो हम लोग डायरेक्ट छलांग लगा करके ना कोई कोई बोलते ना, अरे गुरु गुरु की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट तो भगवान को पा लेंगे, बोले भैया प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जब गुरु जी की शरण में जाएंगे, उनको गुरु जी उनकी गुरु जी के पास में, उनको गुरु जी के पास में, उनको गुरु जी लास्ट में कहाँ तक पहुंचे, श्री गुरु गोस्वामी के पास में। अगर ये कृपा करें और ये लेकर श्री ललिता सखी के पास में पहुंच जाएंगे, फिर ललिता सखी लेकर के राधा जी के पास में जाएंगे। इसलिए राधा रानी पूछते हैं, ललिता ये कौन है, बोले एक नया सखी है। अगर ललिता सखी हमें लेकर श्री कृष्ण राधा जी के चरण में, राधा रानी लेकर हमें श्री कृष्ण सेवा में लगा सकते, जब तक इन्हीं का अनुभव तक कोई सोचे जरूरत नहीं गुरु वैष्णव की, हम छला लगा करके कृष्ण को पा लेंगे, बोले नहीं इतना आसानी नहीं। इसलिए हम गुरु परंपरा का माध्यम से ही वहां तक पहुंच सकते और इनकी कृपा से ही केवल राधा कृष्ण की जो निवृत्त सेवा है, जिसमें ब्रह्मा शंकर भी प्रवेश करने के लिए जिसमें दिगावत करते हैं, इनकी कृपा से ही प्राप्त होता। इसलिए हम लोग तीन दिन तक कथा सुन रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुन रहे थे, महाप्रभु कैसे भगवान को चार काम सौंपा, वो चार काम किया गया याद है, कौन बोल सकता है बताओ, तो महाप्रभु ने छह गोस्वामी को चार काम सौंपा, कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन बोलेगा हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा, क्या बात है, कोई पता नहीं इसमें, तो बता सकते चार काम क्या, और किसको याद है बोला, बोला जोर से बोला, और क्या बोला, और हाँ बोलो क्या बोलो जोर से, हाँ अपने काफी पेन लाते हो, हरे कृष्ण, हाँ देखो इधर सुन, हाँ और क्या प्रसाद, ठीक है देखो एक एक मैंने बता रहा एक काफी लेकर गया, देखो एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में गया मूर्ति खरीदी करने, उनने पूछा भैया ये बताओ तो तीन मूर्ति का क्या कीमत है, बोले जो पहला नंबर मूर्ति इसका नाम इसका कीमत 100 रुपया, बोले दूसरे बोले इसका कीमत 500 रुपया, बोले तीसरे बोले 5000, बोले क्यों, ये तीनों तो देखने में बराबर लगते इतना फर्क क्यों, बोले तीन गिलास पानी लाओ, अभी समझा था, अभी जो पहला मूर्ति था उसको कान में डाले ना जिधर डाला था उधर निकल गया, बोली तो कथा सुनता है लेकिन जिधर सुनता उधर निकाल देता है, दूसरा मूर्ति जब उसको कान में डाला इधर डाला तो सीधा किधर निकल कर आगे, बोले इसका कीमत पहला मूर्ति कीमत 100 रुपया और दूसरा मूर्ति आने में तो इसका कीमत 500 रुपया, सुनता तो है लेकिन इधर सुनकर भी इधर निकाल देता, बोले तीसरा मूर्ति का कीमत क्या है, बोले 5000 रुपया, उसको कान में जब पानी डाला ना एक बूंद निकला नहीं, सबके सब अंदर में चला गया, ये जो कथा सुनता है सबको सब अंदर कर ले जाता है, बता हम लोग कितने पैसा की मूर्ति होता है, बोला 5000, देखो कथा का समय ना कोई माला चपला कर, माला चपला तो कर दो, जब गुरु जी कथा श्रेष्ठ कोई वैष्णव कथा करे माला नहीं जप कर चाहिए,
इसलिए माला जप कर रहे हैं, इसलिए कथा याद नहीं आ रहा। इसलिए गुरुदेव मथुरा में क्या करते थे, पहला दिन में उपलास करते थे, दूसरे दिन घुसते थे सब। इसलिए जितने गुरुदेव का समय में जितने हमारे भक्त लोग होते थे सब खापी लेकर बैठते, सब एक एक पॉइंट को नोट करते, एक एक पॉइंट को नोट करते। क्यों? उनको पता है गुरुदेव दूसरे दिन पूछेंगे, इसलिए थोड़े जो लिखे पड़े ना ऐसे खाली हाथ नहीं आया, खाली हाथ पाना नहीं, एक कापी और एक पेन लेकर के आना और जो कुछ पॉइंट है उसको लिखना, और केवल लिखना नहीं अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाना चाहिए। यही महाप्रभु का भविष्यवाणी है। देखो महाप्रभु का यही भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी पे आज से जब नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है मेरा नाम, पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम, एक दिन ऐसा आएगा सुखी हो या लोग मोर गाय देख करती। महाप्रभु का भविष्य इच्छा है लोग प्रसन्न होकर के मेरे महिमा को गाए, मेरे कीर्तन करे और गली गलियों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोलो हरे एकादशी का दिन और जो एकादशी दिन और हमारे विशेष